शनिदेव की कृपा पाने का आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज है शनि जयंती और आज ही है वट सावित्री का पर्व भी। और संयोग देखिए कि आज ही एक साथ कई योग बन रहे हैं। आस्था और श्रद्धा के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और खास बात यह है कि आज कृतिका नक्षत्र के साथ शोभन योग भी बन रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बड़ी कवरेज के साथ हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन क्यों अहम है और किस तरह की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, साथ ही साथ मंदिरों में किस तरीके से लोगों की भीड़ है, किस तरीके से अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं। मेरी दो सहयोगी शिल्पी और गुंजन हमारे साथ, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जरा तस्वीरें वहां से दिखाइए की कृपा पाने के लिए किस तरीके से आज मंदिरों में लोग। बिल्कुल नवजोत, बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है क्योंकि मुख्य कार्यक्रम यहां पर रात को रहने, प्रांगण कैसे सजा हुआ है, जो कुछ भक्त आ रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर। कृपा पाने की बात कही तो देखिए, कृपा के लिए यहां पर एक जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। इसमें काला उड़ा यंत्र है और ये एक पत्ते पर है, इसके साथ साथ और ये मैं देख पा रही हूँ तिल, काला तिल और गुड़ और काला कपड़ा, ये यहाँ पर शनि महाराज को चढ़ाया जा रहा है। ओम शन शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का एक बहुत ही जाना माना मंत्र है। इसका उच्चारण अगर भक्त करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। बिल्कुल गुंजन, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शिल्पी सेन भी जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी शिल्पी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिये, हम लगातार बोल रहे हैं कि आज विशेष है दिन क्यों हो जाता है। वट सावित्री उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, सुहागन महिलाएं सुबह से ही मंदिर में आ रही है। दूसरी तरफ शनि जयंती भी मनाई जा रही है, तो इस वक्त आप मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, वहां पे किस तरीके की तस्वीरें हैं, साथ ही में किस तरीके का आज दिन रहने वाला है, कौन से तमाम कार्यक्रम आज होने वाले हैं, क्योंकि ये महापर्व माना जाता है। बिल्कुल, देखिए महापर्व है और कहा जाता है कि न्यायाधिकारी हैं शनिदेव, तो ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक साथ बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है गोमती नदी के तट पर करौंदा घाट में, यहाँ लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि गुंजन ने बताया कि काला कपड़ा, काला तिल और गुड़ ये चढ़ाया जाता है शनिदेव को, तैलाभिषेक भी किया जाता है और सरसों के तेल का दिया भी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है। तो ये सब लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं अपनी मन की बात लेकर के आ रहे हैं शनिदेव के पास। और जैसा कि देखिए कहा जाता है कि शनिदेव वैसे तो न्यायाधिकारी हैं और कर्मों का फल देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शनिदेव नौकरी की कोई बात हो, कोई रोजगार की बात हो विशेषकर, उन सब बातों में भी विशेष शनिदेव की कृपा रहती है। तो जो लोग हैं हम देख रहे हैं, देखिए उसमें एक महिला भी है और बच्चे भी हैं, तो वो लोग शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये जो करौंदा घाट है यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है करीब 50 साल पहले से, लेकिन शनिदेव की जो पूजा अर्चना है वो बहुत पहले से यहाँ पर। बिल्कुल शिल्पी, लौटेंगे।